हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई का इम्तहान का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एडुटेरिया के 5 टेस्ट एसआई के लिए करा दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए और लाभ उठाइए। और दोस्तों, ये इम्तहान का फर्स्ट टेस्ट होगा बिहार एसआई दरोगा के लिए, कि 2023 में होने वाला है, प्रस्तावित है, राइट। तो अब तो डेट भी आ चुका है कि आपका कब से होगा, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अच्छे तरीके से, और इस बार हमें किसी भी तरीके से क्रैक कर लेना है, राइट। और मैं आपके इस तैयारी में जहाँ तक भागीदारी बन सकता हूँ बनूँगा, और उसी की दिशा में ये हमारा टेस्ट सीरीज़ है। तो आइए अपने टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन जनवरी 2023 में किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कि मध्य प्रदेश में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। और इन खेलों में महाराष्ट्र जो था वो पहले नंबर पे रहा था कुल 161 पदकों के साथ, और दूसरे स्थान पर रहा था आपका हरियाणा 128 पदकों के साथ, और तीसरे स्थान पर रहा था मध्य प्रदेश 96 पदकों के साथ, राइट। तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भाग लेने वाले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की झांकी जो कि मानस खंड विषय पर आधारित थी, उसको पहला पुरस्कार दिया गया था, राइट। और महाराष्ट्र की झांकी में 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या और दीपोत्सव को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल लेखिका शिवशंकरी को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सूर्य वामसम ये उनकी रचना है, एक संस्मरण है, तो उनके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। और इसमें मिलता क्या है? तो के बिड़ला फाउंडेशन ने उन्हें पुरस्कार के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए पुरस्कार में प्रदान किए हैं, याद रखेंगे। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो आई थिंक सबको पता होगा कि ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अमृत उद्यान रखा गया है, राइट। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में एक इनको नया नाम दिया गया है इस उद्यान को। फरवरी 2023 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांगो। तो जो कांगो देश है, इसके राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और इसके साथ ही कुल सदस्य देशों की संख्या 107 हो गई। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर करी थी, और यूएसए भी था इसमें। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्रालय ने ध्रुवास्त्र खरीदने की घोषणा की है, यह क्या है? तो ध्रुवास्त्र बेसिकली दोस्तों ये हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से ध्रुवास्त्र, जो कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, और 12 सुखोई 13 एमकेआई लड़ाकू जेट विमानों सहित कई सारी विमानों में इनको रखा जा सकता है या उनसे प्रक्षेपित किया जा सकता है। पुरुष एकल मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एचएस प्रणय ने जीता है पुरुष एकल का खिताब, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। छत्तीसवें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का भागीदार राष्ट्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर इसका हो जाएगा SCO। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य
घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में सियोंग उनिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो सियोंग उनिंग महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश के बोरलेंग में मनाया गया है। सही आंसर बी हो जाएगा। तो आदि समुदाय के लोग बेंत और बांस की वस्तुएं बनाने के विशेषज्ञ होते हैं और उन्हीं के द्वारा उनिंग का त्यौहार खेती के मौसम, नए साल की शुरुआत और बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। सितंबर 2023 में किस देश ने मार्कवा मार्क 5 युद्धक टैंक पेश किया है? तो 19 सितंबर 2023 को इजरायली रक्षा मंत्रालय ने ये पेश किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस स्थान पर 220/132 किलोवाट पावर ग्रिड की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के आरा में। 19वें हांगजो एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में समा पदक जीता था? तो ये महिला कबड्डी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। इन विच रिपोर्ट 22nd लॉ कमीशन हैज रिकमेंडेड द गवर्नमेंट टू रिटेन द एग्जिस्टिंग एज ऑफ कंसेंट अंडर द पोस्को एक्ट, यानी कि 22वें विधि आयोग ने किस रिपोर्ट में सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्ट संख्या 283। इस राज्य ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा ने, और ये 10,000 रुपये मासिक पेंशन देगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, और सी हो जाएगा हरियाणा। शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो लॉन टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे कि बैक हैंड ड्राइव, लेट कॉल्स, सर्विस, लव चेंज। पोलो से संबंधित कौन कौन है? तो बंकर है, चकर है, बैलेट है, बंडर है, ये पोलो से संबंधित है। अब कुश्ती से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं? तो हीव है, हाक है, नेल्सन है, हाक नेल्सन, क्रैडल और डबल नेल्सन, ये कुश्ती से संबंधित है। और वहीं अगर हम बात करें कि शतरंज से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं? तो बिशप है, गैम्बिट है, चेकमेट, पॉन, फिडे इत्यादि हैं। इनमें से किन को भारत रत्न सम्मान में नहीं मिला है? तो देखिए भीमसेन जोशी को मिला है, मदन मोहन मालवीय को मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है, मृणाल सेन को नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो गीगाबाइट यानी कि GB किसके बराबर होती है? तो 1024 MB के बराबर होती है। ये तो ऐसे ही हर किसी को याद होगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। याद रखेंगे, अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, ये इनको माना जाता है। 23 जुलाई 2023 को भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आई थिंक ये तो हर किसी को पता होगा, ये बन गए हैं ओडिशा के नवीन पटनायक, 23 साल और 139 दिन। ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक बन गए हैं ये नवीन पटनायक जी। और सबसे ज़्यादा जो है वो रहे थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, ये इनके रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ेंगे। तो द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है?
तो ये होता है कैरिका जैंथिन की वजह से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, कैरिका जैंथिन। सेब का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो एंथोसायनिन, याद रखेंगे एंथोसायनिन ये सेब के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। और लाइकोपिन जो होता है ये टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? लाइकोपिन। और कैरोटीन आई थिंक आप सबको पता होगा कि गाजर में जो रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जनार्दन प्रसाद को। सही आंसर बी हो जाएगा। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। सही आंसर बी हो जाएगा। आप ऐसे याद रखेंगे कि इसी समय इंडिया साइनो वार हुआ था, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को इसी साल नोबेल मिला था इसमें फिजियोलॉजी या मेडिकल के क्षेत्र में। और इनके साथ एक और थे मॉरिस विल्किंस, इनको दिया गया था। मॉरिस विल्किंस को 1953 में डीएनए की आणविक संरचना की खोज के लिए दिया गया था, राइट? और डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मीसर ने 1869 ईस्वी में दिया था। पादप कोशिका में ऊर्जा संग्रह किस रूप में होता है? तो सबको पता होगा कि वो सेलुलोज यानी कि स्टार्च में होता है। ग्लाइकोजन इंसानों के शरीर में जो ऊर्जा होता है वो संचित होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये आप याद रखेंगे। और पेड़ पौधों में ग्लूकोज के फॉर्म में ये चेंज होता है, चेंज नहीं होता बल्कि संचित होता है। इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है? तो टोकोफेरॉल किसका होता है? विटामिन एक ई का होता है। आगे बढ़ेंगे तो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। लिपिड्स के पाचन में किस एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। अब अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती हैं? तो याद रखेंगे अटल सुरंग जो है लेह और मनाली को जोड़ता है और 9.02 किलोमीटर लंबा है। और इसका पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था, ठीक है ना? तो ये किसको किसको जोड़ता है? लेह मनाली को जोड़ता है ये। बैकाल झील कहाँ पर है? तो ये तो सबको पता होगा कि साइबेरिया रूस में है ये। उस्ताज घास यानी कि जो उस्ताज घास के मैदान किस देश में उपस्थित हैं? तो ये हंगरी में होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो उस्ताज घास के मैदान हंगरी में होते हैं। लापेज जो होता है ये वेनेजुएला में होता है। स्टेपी यूक्रेन में होता है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में होता है। पंपास अर्जेंटीना में होता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता है। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में होता है। आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो किस घटना के कारण ध्वनि दिन की तुलना में रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है? किस घटना के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन की वजह से। तो सूर्यास्त के बाद पृथ्वी के निकट की सतह ऊपर की परतों में हवा की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है, इसलिए दूर की आवाज़ें सुनी जा सकती है क्योंकि ध्वनि तरंगे अपवर्तित होती है और रिसीवर तक पहुंचती हैं जो द्विबिंदु पर मौजूद है। तो 31 का बी हो जाएगा सही आंसर, अपवर्तन की वजह से। द एंटीवायरल प्रोटीन इज नोन एज, तो एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं हम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंटरफेरॉन। यानी कि एंटीवायरल प्रोटीन को किस रूप में जाना जाता है? इंटरफेरॉन के बारे में जाना जाता है, इंटरफेरॉन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में।
सही आंसर डी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ इंडियाज फ्रंटियर इज, भारत के फ्रंटियर की लंबाई कितनी है? तो सबको पता होगा कि 15,200 किलोमीटर है ये। कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्य के साथ लगती है? कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्य के साथ लगती है? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि नेपाल और बांग्लादेश। तो नेपाल की सीमा जो है ये यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम से लगती है, और बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से मिलती है। ठीक है ना, चलिए याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। आयन मंडल में क्या होता है? संचार व्यवस्था। मध्य मंडल तापमान। समताप मंडल ओजोन प्लस वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं, और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। गल्फ स्ट्रीम कैसे जलधारा है? तो ये एक तरीके का गर्म जलधारा है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक तीव्र गर्म समुद्री धारा है। कोरोसियो धारा, जिसे जापान की धारा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर की ओर बहने वाली एक जल धारा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी जल संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 41। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1996 को हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में दिया गया, और ये कब हुआ था? 1996 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो सबको पता हो जाएगा कि गोमती नदी इसमें शामिल नहीं है। लैमा टोल और लुसाई की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर और मिजोरम में पड़ती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। भारत का पहला जैवमंडल निचय, यानी कि बायोस्फेयर रिजर्व, ये कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी जैवमंडल था ये। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नीलगिरी जैव। ये 1986 में इनको बनाया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व। और भारत में अभी फिलहाल कुल मिलाकर के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और जिनमें से 11 को, याद रखेंगे अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 11 को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोगोटा किस देश की राजधानी है? तो ये बड़ा ही फेमस है बोगोटा, और ये राजधानी है कोलंबिया की। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, राइट। पराग्वे की राजधानी असुनसियन है, याद रखेंगे। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? असुनसियन। पेरू की राजधानी की अगर हम बात करें तो लीमा है ये। और सूरीनाम की राजधानी की बात करें तो पैरागैरिबो है, पैरागैरिबो, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीजन बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंडवानी नृत्य से है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए। समतल दर्पण से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये बहुत ही आसान सा है, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ मैचिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य आपको मिलान करना है। देखिए, गुंडी ये पड़ता है तमिलनाडु में, बांदीपुर आप सबको पता होगा कि कर्नाटक में ही है, रणथंभौर राजस्थान में ही है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो राइट आंसर 1 2 3 4, देख लीजिए 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा।
सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? तो देखिए गेहूं की प्रमुख फसल है ये सब, मैक्सिकन, सोना, सोनालिका, सुजाता, लाल बहादुर, कल्याणा, ये सब गेहूं की किस्में हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो रेले के नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो लैम्डा के पावर 4 के होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किस जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं होती है? तो सामाजिक गतिशीलता इनमें नहीं होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वेग कितना होगा? तो ये 350.3 मीटर पर सेकेंड होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो उपयुक्त सभी पर निर्भर करेगा, ये जो जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं, तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काज के क्षेत्रफल पर और तार पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सोडियम-14 का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, क्वेश्चन नंबर 62, तो अनुच्छेद 164 के अनुसार ये बात हमें पता चलती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो आपको जनपद दिया गया है, उसकी राजधानी दी गई है। राइट, तो देखिए काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। मगध की राजधानी राजगीर या राजगिरी थी। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक था। असमक की राजधानी पोटलिया पाटन था। तो 1, 2, 3, 4 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसको कहते हैं? तो नाभिक की खोज आपको पता होगा कि रदरफोर्ड ने किया था, तो इसलिए इनको हम कहते हैं नाभिकीय भौतिकी का जनक। इलेक्ट्रॉन की खोज जेडेड थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। 58, भविष्य की धातु किसको कहते हैं? तो टाइटेनियम को कहते हैं हम। सभी अक्रिय गैसों को सम्मिलित किया गया है, किसमें किया गया है? तो सब के सब अधातु हैं। महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? तो ये शाक्य कुल से थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम पुत्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का आदर्श वाक् सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और यम नचिकेता संवाद जो है वो कठोपनिषद से लिया गया है। चार आश्रम जो है वो जबलोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। किस शासक का उपनाम जो था वो कुनिक था? तो ये था अजात शत्रु का नाम कुनिक था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा गया है? तो वर्तमान शाक्य मुनि जो है ये वेनसांग को कहा गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो ये अलबेरूनी की रचना है। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। अब समाचार पत्र और उनके संपादक हैं, तो आप इनको ध्यान से मिलाइएगा और ये सब मिले हुए हैं 1, 2, 3, 4 है ये। यानी कि बंगाल गेजेट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अल हिलाल, एनी बसेंट, कॉमन पील, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1, 2, 4, 3 होगा इसमें। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद है, आप याद रखेंगे। अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम का है और कॉमन पील एनी बसेंट का है। तो 1, 2, 4, 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हंटर आयोग से संबंधित सदस्य कौन थे? तो हंटर आयोग से संबंधित कौन कौन थे? तो 1, 2 और 3 राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सीतलवाड़ भी थे, सुल्तान अहमद भी थे और जगत नारायण भी थे। राइट,
ये 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए लिया गया था। इसमें कुल 8 सदस्य थे, हिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाया गया था और इसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, सी आर दास, तैयब जी, ये सब भारतीय थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ होती है? सही आंसर सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में है? तो लॉर्ड कार्नवालिस का है, राइट आंसर बी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत पर लागू था? क्वेश्चन नंबर 76, तो ये 75 है, सॉरी ये हो जाएगा आपका 51%। 76, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू या मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था ये बात। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे बढ़ेंगे तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1894 में गुजरात के प्रबंदर में, 1894 में किया गया था ये नेशनल इंडियन कांग्रेस के द्वारा यह किया गया था। स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन बने थे? तो मोतीलाल नेहरू बने थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पैसेज टू इंडिया निम्न में से किनकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईएम फॉस्टर। ये एक 1920 के दशक में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये एक उपन्यास है। 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य के 100 महान कार्यों में से एक के रूप में इसे चुना गया है और कथा के लिए 1924 का जेम्स टंट ब्लैंक मेमोरियल पुरस्कार ये जीता है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, विलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के मदद से। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि महालोविस मॉडल पर आधारित था, याद रखेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि पीसी महालोविस साहब के देन थी ये और महालोविस मॉडल पर आधारित था, इसी के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। वही अगर हम बात करें ब्रिटेन की सहायता से तो दुर्गापुर में स्थित है आपका संयंत्र, वो पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम बात करें जर्मनी की सहायता से तो राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, राइट। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से साख मुद्रा में किसे शामिल किया गया है? तो साख मुद्रा में चेक को शामिल किया गया है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए तो प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा कहलाता है। इसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती है, यह विधि ग्राह्य मुद्रा नहीं होती है, तो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो सहकारी बैंकों का शीर्ष संस्था कौन होता है? तो सहकारी बैंकों का जो शीर्ष संस्था होता है दोस्तों वो होता है आपका राज्य सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का गठन 3 स्तर पर होता है, कौन कौन? राज्य स्तर पर, आपको पता होगा, एक स्टेट स्तर पर, एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और एक होता है आपका ग्रामीण स्तर पर यानी विलेज लेवल पे। तो 3 स्तर होते हैं और इन सब में सबका हेड कौन होता है? तो जो स्टेट राज्य सरकारी सहकारी बैंक होते हैं यानी कि स्टेट स्तर की जो सहकारी बैंक होती है वो शीर्ष संस्था होती है और ग्रामीण स्तर पर जो सहकारी बैंक होते हैं उनको प्राथमिक ऋण समिति भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा था? तो एमएन रॉय ने रखा था, राइट। ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता हुआ करते थे और सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा का विचार रखा। वहीं 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ये भी आप याद रखेंगे। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से कब की थी? 1935 में किया था, राइट। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको कुछ मैचिंग करना है। आप देखिए
कहता है ये अधिकार है और अनुच्छेद है। तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया आपके लिए कि समानता का अधिकार 14 से 18 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 से 22 है, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29-30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट इज इनकरेक्ट। राइट, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 23-24 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 19 से 22, ये तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट, 19 से 22 क्या होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, तो आप याद रखेंगे ये गलत है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा होता है तो 23-24 होता है, और 25 से 28 क्या होता है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है, वेरी वेरी फेमस कमेटी थी दोस्तों ये आर.एन. मल्होत्रा, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो थी दोस्तों ये बीमा क्षेत्र से थी और 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, याद रखेंगे। ये बना था 1993 में इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार के लिए, इसके सिफारिशों के आधार पर 1999 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, IRDA, ये आपने सुना होगा, इसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इन्हीं की देन थी, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी की ही देन थी कि इसकी स्थापना करी गई थी। और ये संस्था क्या करता है, इंश्योरेंस की सबसे अपेक्स बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर की, उसमें क्या सुधार होने चाहिए, क्या हो रहा है, उसकी ये निगरानी रखता है IRDA। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हो जाएगा कि लॉर्ड कार्नवालिस के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कार्नवालिस का प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड शक्तियों के विभाजन पर आधारित था, उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, उन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, ये हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में। और ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, न कि लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में, वो तो बने ही थे 1791 में शायद, I am right। तो और ये इसकी स्थापना जो थी सर विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी। राइट, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखिए अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है और आपका ऑस्ट्रेलिया में भी है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1, 2 और 3। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता होता है, अमेरिका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी सदन होता है, देखिए राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों अस्थायी सदन होते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गिफिन वस्तु की मांग वक्र होता है, द डिमांड कर्व ऑफ ए गिफिन गुड इज, ये क्या होता है तो ये धनात्मक होता है, तो गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र जो होता है वो धनात्मक होता है जो कि अपवाद है, अन्य वस्तुओं की मांग वक्र ऋणात्मक होता है, आप याद रखेंगे गिफिन गुड्स पॉजिटिव्स होते हैं। पानी में साधारण नमक मिलाने पर क्या होता है, तो अगर आप वाटर में कोई चीज़ मिलाइएगा सॉल्यूट तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, राइट, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, देखिए दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी थी,
और थुंगन कमेटी भी था और एलएम सिंघवी कमेटी भी थी। तो नरसिम्हन कमेटी जो थी ये नहीं थी पंचायती राज व्यवस्था से। नरसिम्हन समिति का गठन 1991 ईस्वी में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था, याद रखेंगे 1991 में बैंकिंग सेक्टर के लिए था ये, बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति बनाई गई थी। इस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का विकल्प ईवीएम मशीनों में शामिल किया गया था। तो इसका सही हो जाएगा 16वीं लोकसभा चुनाव में ये इस्तेमाल किया गया था 2014 में, चूंकि यहाँ पूछा हुआ है लोकसभा चुनाव में तो 16वीं हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कब हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों 2014 में 16वीं लोकसभा, लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहले कब हुआ था 2013 के विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ये नोटा आया था, यानी कि लोकसभा से पहले राज्य विधानसभाओं के चुनाव में नोटा शब्द आ चुका था। आगे बढ़ेंगे तो एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करें। अभी ये तो दोस्तों आ गया सी सेट वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, पहले हम जीएस वाले पोर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैथ वाले पोर्शन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद को गठन राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल जो है ये प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद है 263, राइट आंसर बी हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? जो सबोर्डिनेट कोर्ट होते हैं ये संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल नंबर 253 से 253 237 से 253 है, ये याद रखेंगे, अनुच्छेद संख्या 237 से 253 के बीच है, भाग 6 में। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से सी सेट के क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी मैथ वाले पोर्शन है, राइट। तो देखिए इसको ध्यान से, कह रहा है कि 400 मीटर लंबा एक ट्रेन, लॉन्ग ट्रेन 800, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ इट टेक्स 5 मिनट्स टू क्रॉस द लॉन्ग ब्रिज। कह रहा है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में 5 मिनट का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल निकाले। तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, चलिए आप सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम बनाते हैं। तो मान लीजिए कि इतना बराबर एक्स है, यानी कि √12 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर क्या आ जाएगा, −12 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपका टूटेगा कितना पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3 ये आपके आएंगे फैक्टर, यानी कि एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर माइनस 3 आएगा, राइट। तो पॉजिटिव वाले लेंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तो एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, राइट। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए होंगे, तो दोनों के द्वारा किए गए कामों दिनों की संख्या अगर निकालना हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 10 × 15 और 10 + 15। अब जो अलग अलग करके निकालते हो, 1/10 + 1/15, ये उसी का है, दोनों का एलसीएम ले लो, फिर उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 दिन आएगा। बाकी सॉल्व करने का तरीका जानते होंगे, एक दिन का काम निकालिए एका, तो 1/10 भाग हो जाएगा, इसका निकालेंगे 1/15 भाग हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए जो कि मैंने यहाँ किया था, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
प्लस दस डिवाइडेड बाई दस, 15, ये भाग आया है, इसी को रिवर्स करते हैं ये आ जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 6। अब अगला क्वेश्चन है कि 2, 6, 14, 30 और आपको यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए 2 के बाद 6 आता है, तो क्या किया गया है, 2 × 2 + 2 = 6 आ जाएगा, 6 × 2 + 2 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 × 2 + 2 = 13 आ जाएगा, और 13 × 2 + 2 तो 62 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो किसी शहर की जनसंख्या जो है 6000 है, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्षों के बाद शहर की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो आपने सब फार्मूला पढ़े होंगे, 2 वर्ष का पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या आसान सा उपाय है, तो जितना 6000 × 1 + 20/100 × 2 वर्ष है, जितना वर्ष कहता है उतना करते जाइए, इसको आप सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 8640 आएगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए, बहुत ही आसान सा है। अगला है कि 40 बच्चों की एक कक्षा में राहुल का स्थान नीचे से 25वां है तो उसका ऊपर से स्थान कितना होगा। ऊपर से स्थिति निकालने के लिए क्या करते हैं पता है, 1 जोड़ करके जो जैसे है उसको घटा देते हैं, 40 में 1 जोड़ के 25 घटा दीजिए। इक्वेशन नंबर 40 का है आंसर, 40 में 1 जोड़कर क्या करेंगे, 25 घटा देंगे, ऊपर से निकालने के लिए नियम होता है, तो 41 में से 25 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, राइट आंसर का बी हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका बिहार एसआई का 100 क्वेश्चंस इम्तहान आईएएस का, हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर, किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।